Hello everyone, this is a quick update on Gland Pharma. वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि कंपनी ने कुछ नया अनाउंस किया है, सो वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ. डायरेक्टली लेट्स कम टू द फाइनेंशियल समरी ऑफ द रिजल्ट. दिस इज अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. बहुत ही सिंपल तरीके से कंपनी ने रिप्रेजेंट किया हुआ है. एज यू कैन सी ऑल द फिगर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. Revenue from operation YOY growth 30%. तकरीबन 830 करोड़ से लेके इट्स नाउ अराउंड 1080 करोड़. 30% YOY growth in revenue. Total income में growth 33%, EBITDA growth 35%, PAT profit after tax 38% YOY growth. 40% ही पकड़ लीजिए आप, 40% प्रॉफिट मार्जिन, पैट मार्जिन 27%. हाफ ईयरली अगर फिगर देखे H1 FY 22, पैट मार्जिन 28% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. YOY ग्रोथ पैट मार्जिन का फॉर हाफ ईयर इज 23%. लास्ट क्वार्टर में कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट में इश्यू आया था, बट दैट वॉज डेफिनेटली नॉट अ कंसर्न. शायद इस वजह से स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा एक मतलब ऊपरी लेवल पे एक प्रेशर बना हुआ था स्टॉक पे. लास्ट क्वार्टर का थोड़ा सा सबड्यूड रिजल्ट था, ऑल्दो इट वॉज वेरी मच ओके विद द फंडामेंटल्स, बट ठीक है, मार्केट इज मार्केट आफ्टर ऑल. तो ये समरी है आपके सामने. इट्स वेरी इंप्रेसिव रिजल्ट, वेरी इंप्रेसिव. एंड ये जो 30% इनका फिगर है, 30% ग्रोथ, 30% मार्जिन, हर साल YOY ग्रोथ 30%, 38% पैट ग्रोथ है, तो आई थिंक इट्स इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव रिजल्ट. कंपनी इज ऑल्सो मल्टीनेशनल कंपनी, पेरेंट कंपनी फोसून फार्मास्यूटिकल है, एंड रिजल्ट्स आर रियली माइंड ब्लोइंग. डेफिनेटली दिस अभी कंपनी का स्टॉक 3700 के आसपास है और प्राइस ट्रेडिंग रेशियो 57 है. थोड़ा एक्सपेंसिव आपको लगेगा, बट व्हेन यू लुक एट द वैल्यूएशन इन द मार्केट, इतना आसानी से पैसा अगर मार्केट में आ रहा है तो इसका रॉ मटेरियल के ऊपर इम्पैक्ट आया है. आप देख सकते हो देर आर मेनी कंपनीज वेयर मार्जिन के ऊपर प्रेशर अभी बन रहा है, बट दैट इज नॉट द केस विद दिस कंपनी. यू कैन सी पैट मार्जिन आर वेरी हेल्दी और मार्जिन मैटर करता है बिजनेस में. ये दिखाता है कि कितना वैल्यू ऐड करता है कंपनी किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी वैल्यू चेन में. और कहने वाली बात यह है कि 38% YOY अगर प्रॉफिट में ग्रोथ है, 30% रेवेन्यू में ग्रोथ है YOY, और अगर आपका प्राइस टर्निंग रेशियो 57 है, दैट इज वेरी मच फेयरली वैल्यूड कंपनी. इफ आई लुक एट, अगर मैं सिर्फ प्योरली फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इट्स डेफिनेटली फेयरली वैल्यूड कंपनी. अफकोर्स नॉट अंडर वैल्यूड नहीं है कंपनी, बट ओवर वैल्यूड भी नहीं है, एक परफेक्टली फेयरली वैल्यूड कंपनी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ डिटेल्स की तरफ. ये मार्केट वाइज इनका रेवेन्यू ब्रेकअप दिया हुआ है. दिस इज द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. जस्ट टू यू नो शो यू फ्रॉम वेयर द कंपनी गेट्स मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू. ये क्वार्टर में आप इनका कोर मार्केट ये अमेरिका और यूरोप है, जो हाईली रेगुलेटेड मार्केट है, जिसके अंदर जल्दी एंट्री नहीं मिलता, वही इनका कोर मार्केट है. सो इट्स दैट्स वेरी यू नो फंडामेंटली बहुत ही एक स्ट्रांग पॉइंट है ये कंपनी के फेवर में. ये ओके 25% YOY ग्रोथ US, यूरोप, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया मार्केट में. इंडिया डोमेस्टिक मार्केट 19% ग्रोथ YOY. ओके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 59% YOY ग्रोथ इन द क्वार्टर टू. हाफ ईयरली फिगर उतने ही इंप्रेसिव. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ दिख रहा है. आई मीन दैट इज समथिंग विच वी मस्ट नोट. वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव. ये तो रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा हूं मैं आपको. इट्स वेरी वेरी रियली वेरी गुड परफॉर्मेंस. आगे बढ़ते, दिस इज अ जनरल डेटा फॉर इन्वेस्टर्स. दे हैव पुट फॉरवर्ड ऑन द वेबसाइट, एक्सचेंज को रिपोर्ट किया है.
मैं यहाँ पे आर एन डी एक्सपेंसेस का फिगर हाईलाइट करना चाहूंगा. हाफ ईयरली आर एन डी एक्सपेंडिचर आप देख सकते हो, दे हैव दैट इज वन ऑफ द थिंग वी मस्ट यू नो मेक अ नोट. आप देख सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी उन्होंने काफी इजाफा किया है. आई मीन ओवरऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों में इज ऑलमोस्ट लाइक 100% ग्रोथ वाई ओ वाई हाफ ईयरली. 6 महीने FY21 के, 6 महीने FY22 के 100% ग्रोथ इन आर एन डी एक्सपेंडिचर. अगेन सम फाइनेंशियल पैरामीटर्स विच आर नॉट डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट, बट ये एक ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी का दिखाता है. नेटवर्किंग कैपिटल March 2021 का वॉज अराउंड 1600 करोड़ एंड नाउ इट इज 2000 करोड़. तो कहने वाली बात है कि देर इज हाई यू नो ऑपरेशन गोइंग ऑन, ऑपरेशन का स्पीड हो रहा है और आगे भी ग्रोथ दिखाई पड़ेगा. नेटवर्किंग कैपिटल से वो मालूम पड़ता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर आप फिगर ही देखिए कितना बढ़ी है. इट्स लाइक मोर देन 100%, मोर देन 150% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है. 6 months of FY21, 6 months of FY22, 328 crore. Last year the 121 crore expenditure, capital expenditure, now it is 328 crore. Impressive. Now financials to ho gaye, now comes little interesting part, basically result card. Yehi part hai jo kuch naya hai. Ye aapke samne picture. Focus on expanding capabilities in complex injectables. Expansion company plan kar raha hai. And they have reported it. They all the segments they are planning to expand their capabilities. On track to make 4 complex injectable filings in FY22, which include 3 hormonal products and 1 complex peptide. These products have addressable market size of $983 million in US market. So expansion plan kar rahe. Capex niche bottom half you can see. Capex to tune rupees 200 crores for building these lines. To capex plan kiya hai 200 crore ka to expand across the categories. And installation of new lines and all this technical data is there, microsphere, powder filing and so on, technical parameters. Expansion company plan kar raha hai. Capex ka figure hum log ne abhi dekha kuch der pehle, 200 crore they have dedicated capital expenditure for expansion. I mean this is something which gives us the foresight for the upcoming quarters. अगेन वन इंटरेस्टिंग स्लाइड फॉर यू. ये पिक्चर आपके सामने, ये कंपनी इज एंट्री इन टू बायोलॉजिक्स एंड CDMO मार्केट. वी आर एक्सप्लोरिंग पार्टनरशिप्स टू एक्सेलरेट एंट्री इन टू बायोलॉजिक्स CDMO मार्केट. अब ये हम लोग कोशिश करेंगे समझने की ये क्या है. जस्ट डेटा जो कंपनी ने दिया है वो आई जस्ट हैव अ लुक एट दिस. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू बी ट्रांसफर्ड, रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट. 80+ बायोलॉजिकल ड्रग्स आर गोइंग टू लूज एक्सक्लूसिविटी इन US एंड यूरोप ओवर 2021 to 2025. लेवरेजिंग स्ट्रांग नो हाउ इन बायोलॉजिक्स डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अवर पेरेंट Fosun Pharma Group, we plan to build capabilities of for biologics and CDMO solution. Upar biologics market size diya hai, $300 billion market size hai, within which biologics CDMO market is estimated to have biologics ka size 300 billion hai, aur biologics CDMO market is around addressable market $13 billion, growing at 15% compounding year on year over last 5 years. 15% unka CAGR growth hai. To ye kuch company ne file kiya hai. Abhi hum log dekhte hai ki what is biologics.
ये पिक्चर आपके सामने, और फाइजर के वेबसाइट से लिया है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन मुझे आसान लगा यहाँ पे फाइजर के वेबसाइट से. व्हाट इज द लॉजिक ऑफ बायोलॉजिक? बायोलॉजिक इज मेडिकली लार्ज मॉलिक्यूल प्रोडक्ट दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कंटेन्स प्रोटीन्स फ्रॉम लिविंग सेल्स. इन अदर वर्ड्स इट्स अ प्रोडक्ट क्रिएटेड फ्रॉम अ लिविंग थिंग ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल बिकॉज बायोलॉजिक्स आर मच larger and more complex than typical small molecule drugs. The manufacturing process are very complicated. In United States, biologics are approved by Food and Drug Administration under a process distinct from new small molecule drug approvals or approvals for traditional medicines. So, ye ek medicinally ek large molecular product hai. So it's a different market, first of all. ये एक और एक पिक्चर आपके सामने टू अंडरस्टैंड दिस इन बेटर वे. बायोलॉजिक्स हैव हेल्प टू एडवांस. व्हाई बायोलॉजिक्स आर इम्पोर्टेंट? बायोलॉजिक्स हैव हेल्प एडवांस पेशेंट केयर बाय डिलीवरिंग हाईली इफेक्टिव एंड टारगेटेड ट्रीटमेंट अक्रॉस मल्टीपल लाइफ थ्रेटनिंग एंड क्रोनिक डिसीजेज इन द फील्ड्स ऑफ ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड सो ऑन. ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट ड्रग डेवलपमेंट मेथड है एंड इट कैन सॉल्व सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिसीजेज एंड प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी. और एक आपके सामने पिक्चर, व्हाट इज बायोसिमिलर? बायोसिमिलर्स ऑन अदर हैंड आर ड्रग्स स्पेसिफिकली डिजाइंड टू हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द ड्रग दैट्स ऑलरेडी been created and licensed. But because biosimilars are never exact copies of the medicine, they are designed to imitate. Establishing appropriate standards for biosimilarity remains an important area for scientific, legislative and regulatory debate. Regulatory guidance for biosimilars has been developed in Europe, the United States and many countries throughout the world. Due to their complexity, biosimilars will be assessed based on the totality of evidence. And these are other, you know, parameters. Basically, biosimilar मतलब एक drug है, वही formula नहीं, वैसा ही formula use करके therapeutic effect create करना, in a simple language. तो बड़ा market है, बहुत बड़ा market है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये emerging है. These are the things which are emerging, and companies planning to enter this market. और कुछ picture आपके सामने to clarify the things. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, CDMO, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ कंपनी दैट सर्व्स अदर कंपनीज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज फ्रॉम ड्रग डेवलपमेंट थ्रू ड्रग मैन्युफैक्चरिंग. बेसिकली ये एक थर्ड पार्टी है जो आपके लिए ड्रग रिसर्च डेवलपमेंट करेगा, ड्रग बनाएगा भी, ड्रग डेवलप भी करेगा और आपको बना के दे देगा. सो ग्लैंड फार्मा इज प्लानिंग टू एंटर दिस, और इनका जो पेरेंट कंपनी है फोसून फार्मास्यूटिकल विच इज वन ऑफ द जायंट मल्टीनेशनल कंपनी. दिस दैट विल हेल्प दिस कंपनी टू गेट अ होल्ड ऑन दिस सेक्टर इजिली. आगे एक सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू रीड दैट. दिस अलाउज मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू आउटसोर्स दोज एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस विच कैन हेल्प विथ स्केलेबिलिटी और कैन अलाउ मेजर कंपनी टू फोकस ऑन ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग मार्केटिंग इंस्टीट्यूट. सो ये एक टाइप का आउटसोर्सिंग है एंड ऑफकोर्स यू नीड टू हैव अ वेरी रिलायबल पार्टनर टू आउटसोर्स सच अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग एंड ग्लैंड फार्मा इज प्लानिंग टू एंटर दिस सेगमेंट. बायो फार्मास्यूटिकल क्या होता है? बायो फार्मास्यूटिकल इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल मेडिकल प्रोडक्ट. Is a pharmaceutical drug product manufactured in extracted from semi-synthesized from biological sources, different from totally synthesized pharmaceuticals. They include vaccines, whole blood, blood components, somatic cells, gene therapies, tissues, and living medicines, and so on. Cell therapy, sugars, proteins, nucleic acids. कहने का मतलब है एक living चीज है
जो यू नो लाइव वैक्सीन रहते हैं ना, जिसमें वायरस पार्शियली इनएक्टिवेटेड कंडीशन में रहता है, पार्शियली एक्टिवेटेड कंडीशन में रहता है, दैट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन से, जिसमें टिश्यूज है, जीन थेरेपी है, एंड सम शुगर्स प्रोटीन्स आर देयर समवेयर, इट्स रिलेटेड टू लिविंग थिंग. इसमें कंपनी एंटर करने का प्लानिंग कर रहा है, तो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच आर ओपनिंग अप. और इफ आई लुक एट द फाइनेंशियल्स अगेन, इम्प्रेसिव ग्रोथ है, काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है मुझे कंपनी अभी भी. और जिस तरह से ये क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर कंपनी इज गिविंग ग्रोथ फिगर, इट्स इम्प्रेसिव. फाइनेंशियल कंडीशंस आर वेरी गुड, और मार्केट कंपनी का इंडिया के बाहर है, जैसे कि आपने देखा सेगमेंटल रेवेन्यू में, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन यूएस, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन यूरोप, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब इतना बड़ा दुनिया है, वो किसी कंट्री या किसी सर्टन मार्केट्स पे डिपेंडेंट नहीं है. तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ड्रग्स का, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ज्योग्राफी का. कंपनी इज वर्थ एनालाइजिंग, आप भी एनालाइज कीजिए अपनी तरफ से. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया. Do share this video with your friends, relatives and like-minded people. Subscribe to the channel for interesting updates. Hamara Instagram channel hai at the breakeven point. Please follow that for more updates. Thank you.